हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफिनेशन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। डेवलपमेंट क्या होता है? सबसे पहले डेवलपमेंट के बारे में और ग्रोथ के बारे में थोड़ी सी डिफरेंशिएशन बता दूं मैं। डेवलपमेंट जो होता है ये प्रोग्रेसिव इंक्रीज होता है स्किल्स और उसके साथ साथ लर्निंग में, ठीक है। ये एक क्वांटिटेटिव फंक्शन होता है जिसके अंदर वो मेच्योरेशन वगैरह आती है, जो हमारा न्यू बॉर्न होता है डे बाय डे समथिंग ही इज एबल टू लर्न समथिंग न्यू, ठीक है। और इन्हीं पैरामीटर्स पे उसके जो पेरेंट्स होते हैं उसको चेक कर रहे होते हैं और उसके जो नेक्स्ट स्टेप्स होते हैं उसे बखूबी आगाह होते हैं, ठीक है, कि वो अपने इन नेक्स्ट स्टेप से क्या करना चाहता है या क्या शो करना चाहते हैं, सही है। ग्रोथ जो होती है, ग्रोथ के अंदर ये होता है कि या तो उसकी सेल का अमाउंट इंक्रीज होगा, ठीक है, जिसकी वजह या उसका वेट इंक्रीज होगा या फिर उसकी हाइट इंक्रीज होगी, ठीक है। ये सारे आते हैं ग्रोथ में। ग्रोथ मीन कि जो फिजिकल अपेयरेंस है उसके अंदर चेंजेस आना, ठीक है। और डेवलपमेंट मीन कि जो उसकी मेंटल अलर्टनेस है वो इंक्रीज जाती है और उसके साथ साथ वो उसके अंदर जो होते हैं न्यू चेंजेस आते हैं, उसकी पर्सनैलिटी के अंदर चेंजेस आती है, सही है। अगर हम इसको स्पेसिफिकली देखें कि प्रिंसिपल क्या है इसकी ग्रोथ का और सारी चीजें वन बाय वन डिस्कस करें इसमें प्रिंसिपल तक, क्योंकि इसका नेक्स्ट पार्ट ये है कि डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन वगैरह में क्या फर्क है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेवलपमेंट से। व्हाट इज डेवलपमेंट? डेवलपमेंट डेवलपमेंट जैसे कि मैंने बताया कि ये रेफर करते हैं टू प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन स्किल एंड कैपेसिटी ऑफ फंक्शन। प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन स्किल्स एंड फंक्शन, ये क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट होती है। किसमें? लर्निंग में। क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट पर्सनैलिटी और लर्निंग। और इसको हम मेयर कर सकते हैं, इट कैन बी मेयर्ड बाय ऑब्जर्वेशन, बाय ऑब्जर्वेशन। मेच्योरेशन जो होती है इसके अंदर चाइल्ड की कंपिटेंसी या एडेप्टेबिलिटी को हम देखते हैं इसमें, और डिस्क्राइब करती है ये क्वालिटेटिव चेंजेस इन स्ट्रक्चर। जैसे मैंने पहले बता दिया है कि इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट हो रही होती है, क्वालिटेटिव डेवलपमेंट होती है स्पेसिफिकली, इंस्टेड ऑफ क्वालिटेटिव दिस शुड बी क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट इन अ पर्सनैलिटी, सही है। और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का प्रिंसिपल क्या है? एक तो होते हैं कंटिन्यूअस प्रोसेस है ये, दूसरा ये है प्रेडिक्टेबल सीक्वेंसेस, डोंट प्रोग्रेस एट द सेम टाइम और सेम रेट। इनिशियली क्या होता है कि जो पहला पीरियड होता है उसमें ग्रोथ इंक्रीज हो जाती है अर्ली चाइल्डहुड के अंदर, देन एडोलेसेंस के अंदर डिक्रीज हो जाती है, और उसके बाद जो है मिडिल एज के अंदर जो चाइल्डहुड एज होता है उसके अंदर भी डिक्रीज हमें ग्रोथ नजर आती है। और उसके अलावा जो यूनिक वे में हर एक चाइल्ड जो है, चाहे लड़का हो लड़की, वो यूनिक वे के अंदर ग्रो करती है। और इसका फॉर्मूला क्या है? या तो हेड टू हेड ग्रो हो करेंगे, ठीक है, या फिर एक्सट्रीमिटीज जो है उसकी तरफ से ग्रोथ होती है, ठीक है, सिफेलिकोडेलिक, या फिर हम दूसरे को कहते हैं जो प्रोक्सिमल डिस्टल होता है सेंटर ऑफ द बॉडी टू द पेरिफेरल, सही है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। कौन से फैक्टर ऐसे होते हैं जो अफेक्ट करते हैं उसको, ग्रोथ को या डेवलपमेंट को, ठीक है हमारा। इसके अलावा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू द फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सही है। फैक्टर में से अगर हम देखें तो इट कुड बी हेरिडिटरी हो सकते हैं, ठीक है, इन्वायरमेंटल हो सकते हैं, या फिर पोस्ट नेटल हो सकते हैं, ठीक है, ये तीन फैक्टर्स हो सकते हैं। अगर हेरिडिटरी को देखें, हो सकता है कि कोई ऐसा बंदा है हमारे उधर जिसकी वजह से फॉर एग्जाम्पल डाउन सिंड्रोम का है वो, ठीक है, या फिर मार्फिन सिंड्रोम है उसके अंदर, या कोई और सिंड्रोम आई है उसके अंदर, ठीक है। तो मतलब ऐसे चीजें हो सकती है, या अदर देन दिस हेरिडिटरी से रिलेटेड अगर हम और बात करें जैसे कि ग्रोथ हार्मोन का इंक्रीज होना किसी के अंदर, ठीक है, गिगनेटिज्म या फिर डिवार्फिज्म कंडीशन आती है, ठीक है, तो ये सारी चीजें अफेक्ट करती है। और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हम देखेंगे उसके साथ साथ। इन्वायरमेंटल वैसे सबसे पहले हम देखते हैं मदर का स्टेटस, ठीक है, कि व्हाट शुड बी द फैक्टर रिलेटिंग टू द मदर। मदर से रिलेटेड हो सकता है डायबिटिक मदर हो सकता है अल्कोहलिज्म हो, उसमें अल्कोहलिक मदर हो, ठीक है, या फिर ये हो सकता है कि वो कोई ड्रग्स ले रही हो, उसका डेली एक्सपोजर हो रेडिएशन के साथ, या फिर स्मोकिंग कर रही हो, तो ये सारी चीजें हम उसके अंदर देखते हैं।
फीटस से रिलेटेड क्या हो सकता है, या तो प्लेसेंटा की जो है वो गलत जगह पे होती है, ठीक है, फॉल्टी प्लेसेंटा हो सकता है, या फिर उसके अलावा माल न्यूट्रिशन हो सकती है, ठीक है, उसकी ये भी उसके अंदर आते हैं। पोस्ट नेटल के अंदर हम दो चीजें देखते हैं, पोस्ट नेटल, जैसे हमने कहा कि पोस्ट नेटल को भी हम डिस्कस करते हैं, ये भी एक रीजन है जो कि किड्स के अंदर या न्यू नेटल के अंदर आती है, उसकी इफेक्ट ग्रोथ या डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है। पोस्ट नेटल के अंदर एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स आते हैं। एक्सटर्नल में क्या आते हैं, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो फीटस है उसके सिबलिंग्स कितने हैं, ठीक है, उससे भी पहले अगर हम बात करें तो सोशल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, कि उसकी फैमिली का जो सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो क्या है, या फाइनेंशियली कोई क्राइसिस तो नहीं है। उसके अलावा हम देखते हैं कि जो फीटस है, ठीक है, वो उसकी न्यूट्रिशन कैसी है, वो अंडर न्यूट्रिटी तो नहीं, ऐसा ऐसा तो नहीं है कि उसकी न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं हो रही, सही है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो किस एरिया में और साथ में कौन सा जो है सीजन वहाँ पे ज्यादा चल रहा है, ठीक है, हम उसको भी देखते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर में से आता है, ये भी इफेक्ट करता है ग्रोथ और डेवलपमेंट को, सही है। जैसे अफ्रीका में स्पेशली जो ड्वार्फिज्म है, ठीक है, मोस्ट कॉमन होता है वहाँ पे, और उनकी ग्रोथ प्रॉपरली नहीं हो रही होती, ठीक है, नो डाउट कि वो डेवलप्ड हो जाते हैं, डेवलपमेंट उनकी होती है, लेकिन ग्रोथ प्रॉपरली नहीं हो रही होती। ओके, अदर देन दिस हम देखते हैं कि जो चाइल्ड है उसका नंबर कौन सा है घर में, सही है, किस नंबर पे पैदा हुए, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, सही है, या फिर 12वां है, 14 है, 15 नंबर पे है, किस नंबर पे है, डिपेंड्स अपॉन द सिबलिंग्स। देन नेक्स्ट जो है हम एक्सटर्नल में से देखते हैं कि उसके सिबलिंग्स कितने हैं, ठीक है, 3 है, 4 है, 10 है, कितने हैं, क्योंकि जितने सिबलिंग ज्यादा होंगे उतनी ही उसको क्राइसिस होंगे फाइनेंशियली भी, और दूसरी सोशल स्ट्रेस भी उसके ऊपर आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं उसके अंदर, ठीक है, और रिलेटेड द एक्सटर्नल और इंटरनल के अंदर हार्मोनल या इमोशनल स्ट्रेस को हम देखते हैं इसमें, सही है। और फैमिली स्ट्रक्चर से रिलेटेड अगर देखें, हम देखते हैं सिंगल पेरेंट्स है या फिर ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हैं, ठीक है, या सेपरेटेड है, जैसे हम पहले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं कि सिंगल या सेपरेटेड उसके क्या साइड इफेक्ट होते हैं बेबी के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिलेटेड टू द स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। स्टेजेस एंड ग्रोथ एंड ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के हम पहले भी बात कर चुके हैं कि हम इसको डिवाइड करते हैं पहले जेस्टेशन एज से अगर हम देखें तो वहां पे प्री नेटल में, ठीक है, प्री नेटल के अंदर क्या होता है, 28 वीक ऑफ जेस्टेशन से लेकर इनिशियल 7 डेज के आफ्टर बर्थ, ये पूरा प्री नेटल के अंदर आता है, ठीक है। देन उसके बाद हम इसको डिवाइड करते हैं न्यू नेट पीरियड के अंदर, ठीक है, इन्फेंसी भी कहते हैं, न्यू नेट पीरियड भी कहते हैं। न्यू नेट पीरियड वो होता है जो आफ्टर बर्थ लेकर 28 डेज तक होता है, ठीक है। देन इन्फेंसी स्टार्ट होती है, इन्फेंसी फ्रॉम द सेकंड मंथ टिल द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है, पूरा साल ये इन्फेंसी पीरियड चलता है। देन उसके बाद आता है टोडलर, टोडलर के अंदर क्या होते हैं कि जो पहले 2-3 साल है, ठीक है, वो होते हैं टोडलर के। देन आते हैं प्री स्कूल, जो बच्चे होते हैं उसमें 5 to 6 ईयर, ठीक है, ये होते हैं प्री स्कूल, और 12 ईयर्स के उस पे आते हैं, ठीक है, चाइल्ड, वो जो कि स्कूल एज के होते हैं, लेट्स जो है स्कूल एज के, या फिर हम कह सकते हैं कि एडोलोसेंस में, एडोलोसेंस के अंदर क्या होता है, नॉर्मली 15 to 18 ईयर्स के अंदर आते हैं, देन उसके बाद वो जाते हैं मेच्योरिटी में, सही है। सम टाइम दे कोट द बोथ थिंग एट अ टाइम, लाइक मेच्योरिटी के अंदर या एडोलोसेंस के अंदर वो कहते हैं कि 18 to 25 तक ये वो एज है जो एडोलोसेंस भी है, और इसके अंदर वो मेच्योरिटी भी गेन करता है, आफ्टर दैट पूरी एज जितनी भी गुजरती है 25 के बाद वो सारी मेच्योरिटी के अंदर गुजरती है, क्लियर। दिस इज ऑल अबाउट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एज और उसके फैक्टर्स हमने देखे, ठीक है। टाइप्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, टाइप्स ऑफ ग्रोथ, अगर हम टाइप्स ऑफ ग्रोथ देखें तो कौन कौन से हो सकती है, हमने कहा इट कुड बी फिजियोलॉजिकल या फिर फिजिकल। फिजिकल के अंदर अगर हम देखें तो हाइट, वेट और उसके साथ साथ जो उसका दूसरा स्ट्रक्चर है, ठीक है, हम उसको भी देखते हैं, स्पेशली हम फोकस करते हैं हाइट और वेट के ऊपर, ठीक है, हम ये चीज़ें देखते हैं कि उसकी हाइट कितनी है एज के साथ और वेट के कितना है उसका, उसको कैलकुलेट करने का भी अलग ही फार्मूला है जो कि वेट का अलग है, हाइट का अलग है, ठीक है, तो और हर मंथ के ऊपर वो अलग अलग फार्मूले यूज होते हैं। अगर टू द डेवलपमेंट, डेवलपमेंट में हम देखते हैं कि उसकी मोटर डेवलपमेंट हो रही है या नहीं हो रही, सोशल डेवलपमेंट हो रही है नहीं हो रही, इमोशनल डेवलपमेंट हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम उसके अंदर देखते हैं। वंस अगेन मोटर, कोग्नेटिव, ठीक है, सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट, और ग्रोथ के अंदर जैसे कि हमने देखा कि उसके फिजिकल ग्रोथ में हाइट, वेट और हेड एंड चेस्ट सरकमफेरेंस देखते हैं, फिजिकल के अंदर सिर्फ वाइटल देखते हैं, हम वाइटल चेक करते हैं फिजिकल के अंदर।
और न्यूनेटल टर्मिनोलॉजी, न्यूनेटल टर्मिनोलॉजी की अगर हम बात करें तो वी हैव लॉट ऑफ टर्मिनोलॉजीज। जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में डिस्कस करा कि इन न्यूनेटल किसको कहते हैं, फिर उसके अर्ली न्यूनेट्स कौन से होते हैं, लेट न्यूनेट कौन से पीरियड होता है। अर्ली न्यूनेट जो पहले 7 डेज होते हैं उसको अर्ली न्यूनेट कहते हैं। देन लेट 7 टू मतलब 8 टू 28 तक लेट न्यूनेट होते हैं। देन उसके बाद इन्फेंसी, फिर टोडलर, देन प्री स्कूलर, उसके बाद आता है स्कूल एज चाइल्ड, उसके बाद एडोलसेंस एंड देन मेच्योरिटी। ठीक है, तो ये सारे टर्मिनोलॉजीज आप कर सकते हो और यही सारी उसकी टर्मिनोलॉजी है। और ये तो हो गया टाइम पीरियड से रिलेटेड। अगर वेट के हिसाब से आपको करना पड़े, ठीक है, कि वेट कौन सा है, उसमें आता है पहले लो वेट जो 2500 से नीचे हो, फिर आता है वेरी लो वेट जो कि कम होता है 1500 से, देन होता है सवेर लो वेट होता है 1000 से, देन होता है एक्सट्रीमली लो वेट लेस देन 750 ग्राम। ठीक है, फिर अगर हम वेट और जेस्टेशन के हिसाब से देखें तो पहले हमारा आता है, उसके अंदर हम देखते हैं एस जी ए को। ठीक है, एस जी ए इसमें 10 सेंटाइल से अगर कम हो, ठीक है, लेस देन 10 सेंटाइल और 10 सेंटाइल, तो इसको हम कहते हैं वेरी स्मॉल जेस्टेशनल एज। और उसके बाद हम देखते हैं लार्ज जेस्टेशन भी इसमें आता है और अप्रोप्रिएट जेस्टेशन भी आता है। अप्रोप्रिएट जेस्टेशन होता है 10 सेंटाइल से लेकर 90 सेंटाइल के दरमियान होता है, और लार्ज होता है मोर देन 90 सेंटाइल होता है। ठीक है, तो आप ये टर्मिनोलॉजी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द न्यूनेटल पीरियड ऑफ चाइल्डहुड देयर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। सही है, जो न्यूनेटल पीरियड होता है ये फर्स्ट 4 वीक्स जो होते हैं इसी को न्यूनेटल पीरियड कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसके अंदर फीडिंग और बॉन्डिंग जितनी भी होती है वो डिवेलप्ड होती है। इनिशियली जो प्री मेच्योर बेबीज होते हैं, आफ्टर बर्थ की कॉम्प्लिकेशंस भी इसी एज के अंदर ही देखी जाती है और मोस्टली कॉमन होती है प्री मेच्योर बेबीज के अंदर। ठीक है, न्यूनेटल का अगर हम देखें न्यूनेट्स के अंदर हम इसको कैलकुलेट करते हैं, कोई भी एबनॉर्मलिटीज हो तो हम एफगार स्कोर के ऊपर इसको लेकर आते हैं। सबसे पहले तो हम टोन चेक करते हैं इसका, ठीक है, कि सबसे पहले कलर कैसा है उसका, अपेयरेंस, ठीक है, अपेयरेंस देखते हैं। उसके बाद हम पल्स देखते हैं, मतलब हार्ट रेट वगैरह कैसी है। ठीक है, देन हम देखते हैं कोई भी जो स्टिमुलेशन हम देते हैं उसके ऊपर उसका एक्शन आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक है, रेस्पिरेशन रेट देखते हैं उसमें, और उसके अलावा हम एक्टिव मूवमेंट चेक करते हैं। तो ये सारी चीजें हम इसी न्यूनेटल एज के अंदर ही देखते हैं। दैट्स व्हाई दे आर सो इम्पोर्टेंट टू अस। सो अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन देयर कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होते हैं। ठीक है, और कैरेक्टरिस्टिक इंपॉर्टेंट तो हमने बता दिया कि 37 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में होता है, और कैरेक्टरिस्टिक फीचर अफगार स्कोर से आप वो भी बता सकते हो उसको। ठीक है, और इंट्रायूट्राइन एस्फिक्सिया ये, और साथ में जो पल्पेशन का क्वेश्चन मैंने कहा था, ये दोनों मैं एक वीडियो में रिकॉर्ड करूंगा और उसको अपलोड करूंगा, ये दोनों एक साथ होंगे। ठीक है, तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्राइमरी रिससिटेशन ऑफ अ न्यूबॉर्न। प्राइमरी रिससिटेशन ऑफ अ न्यूबॉर्न ये क्यों जरूरी होता है। रिससिटेशन मीन कि हम उसको जो उसका सर्कुलेटरी है या रेस्पिरेटरी है, जो सीक्वेंसेस है या जो रेट है, हम उसको रैपिडली और इफेक्टिव बनाने के लिए प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। सही है, इसलिए कि पहला गैस जो आता है न्यूनेट का वो 6 सेकंड के ऊपर आता है। 6 सेकंड के बाद कुछ न्यूनेट्स ऐसे होते हैं जो 20 सेकंड के बाद पहला गैस देते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि हम उसके रेस्पिरेटरी और साथ में जो उसका वो है रिलेटेड सर्कुलेटरी, वो प्रॉपर फंक्शनिंग लाने के लिए हम ये प्रॉपर प्रोसीजर को परफॉर्म करते हैं। व्हाई वी नीड रिससिटेशन। ठीक है, इसके लिए, और इसलिए कि एक तो लंग्स के अंदर फिलिंग हो प्रॉपर, और दूसरा ये है कि रेसिडुअल वॉल्यूम जो है लंग के अंदर वो बनना शुरू हो जाए। ठीक है, प्रॉपर फिलिंग एंड रेसिडुअल वॉल्यूम, दैट्स व्हाई वी नीड रिससिटेशन। ठीक है, दो चीजें हमने बताई, एक तो उसका सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्टिवली और रैपिडली जो है बनाने के लिए कि वो प्रॉपर फंक्शन करे। अदर देन दिस हमने ये भी बताया कि रिफिलिंग हो, ठीक है, मतलब फिलिंग ऑफ द लंग्स और रेसिडुअल वॉल्यूम की फॉर्मेशन होना। ठीक है, ये सारी चीजें। और अगर हम चाहते हैं कि हमारे रेसिटेशन जो है वो वेल हो तो हम क्या करते हैं, दो फैक्टर को हमने बहुत क्लोजली मॉनिटर करना है। एक होते हैं एंटिसिपेशन, व्हाई वी नीड रेसिटेशन, मतलब ये। ठीक है, अदर देन दिस जो रिक्वायरमेंट होती है, कौन कौन सी चीजें हमें रिक्वायर्ड है, वो प्रॉपर जो प्रोसीजर के लिए हमें रिक्वायर्ड होती है, उस चीजों को भी हमें देखना होता है। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई द हेल्पर। ठीक है, जो हेल्प कर रहे, जो रिसिटेशन करेगा, आपको उसकी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए कि वो है भी या नहीं है। ठीक है, सेकंड, मेक द डिलीवरी रूम और मेक द एरिया फॉर द डिलीवरी। ठीक है, थर्ड
थर्ड के अंदर हम क्या करते हैं, डिलीवरी भी बन गई है और उसके बाद रेसिसिटेशन का आइडेंटिफायर जो है वो भी हमने देखा, वॉश योर हैंड। फोर्थ, फोर्थ के अंदर क्या होता है कि एरिया हम बनाते हैं किसके लिए, रेसिसिटेशन के लिए, पहले डिलीवरी के लिए देन रेसिसिटेशन के लिए, और एंड पे जो इक्विपमेंट हमें नेसेसरी होती है, चेक द इक्विपमेंट, उस इक्विपमेंट को पूरा देखो कि वो आपके पास है भी या नहीं है। ठीक है, तो समझ आ गया प्राइमरी रेसिसिटेशन हमें क्यों चाहिए। सबसे पहले कि उसका रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी जो फंक्शन है वो प्रॉपर फंक्शन फंक्शन के अंदर हम ले आए, सेकंड कि हम लंग्स की रिफिलिंग करवा सके और रेजिडुअल वॉल्यूम बना सके। फिर उसके लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड है उनके ऊपर हम दो फैक्टर हमने देखे, एंटिसिपेशन और साथ में जितने भी इक्विपमेंट रिक्वायर्ड है वो प्रॉपर चेकिंग और प्रिपरेशन ऑफ द इक्विपमेंट विच इज रिक्वायर्ड फॉर द रिसेसिटेशन, उसमें हमने वो सारी चीज़ें देखी। प्रिपरेशन फॉर रिसेसिटेशन, ठीक है, मैं ये क्वेश्चन भी, क्वेश्चन नंबर 32, प्रिपरेशन फॉर रिसेसिटेशन ऑफ अ न्यू बॉर्न, अगर हम इफेक्टिव रिसेसिटेशन करना चाहें तो दो मेजर जो फैक्टर है नहीं भूलना, ये आपको आनी चाहिए। सबसे पहले एंटिसिपेशन, एंटिसिपेशन का मतलब क्या है, द नीड फॉर रिसेसिटेशन, और स्पेशली इफ देयर आर जो एंटी पार्टम होता है या फिर इंट्रा पार्टम वो होती है, डिफिकल्टीज होती है या प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है, तो इस वजह से हमें रिसेसिटेशन चाहिए होते हैं कि हम आर्टिफिशियली या खुद जब बच्चा बॉर्न हो जाता है उसके बाद जाके हम उसको कंप्रेशन देते हैं, वेंटिलेट करते हैं उसको, ठीक है, कि उसको प्रॉपर रिस्पायरेशन और साथ में सर्कुलेटरी जो फंक्शन है वो वेल परफॉर्म करना शुरू कर जाए। सही है, तो दूसरा फैक्टर क्या है, एडिक्वेट प्रिपरेशन, इक्विपमेंट एंड जो पर्सनल है वो हमारे पास होनी चाहिए। प्रिपरेशन के अंदर अगेन आइडेंटिफाई द हेल्पर, सबसे पहले तुम्हें हेल्पर का पता होना चाहिए, देन मेक एन एरिया फॉर डिलीवरी, थर्ड वॉश योर हैंड, मेक एन एरिया फॉर रिसेसिटेशन, एंड फिफ्थ चेक द इक्विपमेंट। ठीक है, अगर उसे है रिसेसिटेशन से रिलेटेड कि रिसेसिटेशन के लिए इक्विपमेंट कौन सी इक्विपमेंट जरूरी होती है, तो यू कैन आंसर इट बाय अ निमोनिक्स। ठीक है, हम देखते हैं निमोनिक कौन सा निमोनिक हम यूज करेंगे। ठीक है, इसके लिए देसी निमोनिक है, राजू से सामान आला और इजाफी सस्ता और इजाफी इजाफी सस्ता अच्छा आखिर मिला। ठीक है, इट डजेंट मेक एनी सेंस बट आई एम ट्राइंग टू मेक इट इजी फॉर यू, आखिर मिला। ठीक है, कौन कौन से इक्विपमेंट का होना जरूरी है अब हम उससे निकालेंगे कि कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए। राजू स्टैंड फॉर रिसेसिटेशन टेबल, रिसेसिटेशन टेबल, ठीक है, रिसेसिटेशन टेबल का होना जरूरी है। से मीन स्टेराइल, स्टेराइल सकते हैं या सक्शन कह ले, ठीक है, सक्शन 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 कैथेटर भी हो सकते हैं, ठीक है, और रबर जो होते हैं वो भी हो सकते हैं, सिलिकॉन के भी हो सकते हैं। ओला स्टैंड फॉर एम्बो, एम्बो बैग, मैं बताऊंगा कि चीज कौन-कौन सी चीजें क्या होती है, और स्टैंड फॉर ओरल एयरवेज, और इजाफी स्टैंड फॉर एंडोट्रेकियल ट्यूब, एंडोट्रेकियल ट्यूब, इसकी जो साइज होते हैं 2.5, 3.0, 3.5 और 4.0, मीन अरेंज इज 2.5 टू 4.0, ठीक है, इतनी रेंज होनी चाहिए। सस्ता मीन सीजर प्लस ग्लव्स, आपके पास ये भी होनी चाहिए, ठीक है, और स्टाइलेट भी होनी चाहिए, स्टाइलेट भी होनी चाहिए। ठीक है, मिला मीन मेडिकेशन, अच्छा स्टैंड फॉर अ कैप, जो कैप हम पहनाते हैं आफ्टर ड्राइंग द बेबी, ठीक है, क्लॉक और अ वॉच स्टॉप, क्लॉक और वॉच स्टॉप। ठीक है, तो ये सारी चीजें रिसेसिटेशन टेबल का होना जरूरी है, स्टेराइल लिनन और उसके साथ साथ सक्शन जो कैथेटर वगैरह होते हैं, देन यूज करते हैं हम एम्बो बैग जो होता है वो यूज करते हैं, नाक के ऊपर रखते हैं, ठीक है, और यहाँ से पुश करते हैं ऑक्सीजन देने के लिए। ओरल एयरवेज इजाफी मीन एंडोट्रेकियल ट्यूब, जिसकी साइज आपके पास ये होनी चाहिए, सीजर स्टाइलेट और ग्लव्स प्लस अ कैप और उसके साथ अ क्लॉक और मेडिकेशन। ठीक है,
अगर मेडिकेशन में आपसे पूछते हैं कि कौन सी मेडिकेशन आप प्रेफर करते हैं, तो दिस इज एपिनेफ्रिन, सही है। और इन केस अगर हार्ट रेट इज लेस देन 60, सही है। तो ये है वो क्राइटेरिया जो आपने उसको बताना है कि कौन कौन सी इक्विपमेंट हमें जरूरी है जो कि क्वेश्चन में पूछी गई है, ठीक है। नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है क्वेश्चन का? क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट ये है कि प्रिपेयर द एरिया। ओके, हम करते क्या है, इक्विपमेंट तो हमने ले लिए, ठीक है, हम कौन सी चीजें देखते हैं वो भी देखते हैं, करेक्ट स्टेप्स क्या है और उसके साथ हम किन चीजों को देखते हैं, ये जो रेसिटेशन मेथड है। सबसे पहले जो है मैं लिखूंगा कि हम करते क्या है। यू कैन मेमोराइज इट बाय ए बी सी एंड डी। ए इज स्टैंड फॉर एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन सर्कुलेशन और डी इज स्टैंड फॉर ड्रग्स। एयरवे के अंदर हम क्या करते हैं, इसकी पूरी मैकेनिज्म आप लोगों को मैं बताता हूं। एयरवे क्या, ओके, ये है हमारा एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन एंड ड्रग्स। सबसे पहले एयरवे, एयरवे में क्या करते हैं, हम सक्शन यूज करते हैं। सबसे पहले तो एयरवे को हमने क्लियर करना है, ठीक है। सबसे पहले सक्शन हम माउथ की करते हैं, देन नोज की करते हैं, उसके बाद हम ट्रैकिंग करते हैं। इफ देयर इज एनी मीकोनियम तो हम उसको भी वहां सक्शन के थ्रू निकालते हैं और एयरवे को क्लियर करते हैं। नेक्स्ट, ब्रीदिंग, ब्रीदिंग से रिलेटेड पीपीवी और साथ में अगर हार्ट रेट इज लेस देन 100, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम वेंटिलेट करते हैं बेबी को, 40 to 60 जो है वेंटिलेशन देते हैं पर मिनट, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करते हैं कि वेंटिलेशन के बाद हम उसको एपिनेफ्रिन वगैरह भी इंजेक्ट करते हैं और साथ में कंप्रेशन भी देते हैं हम बेबी को, सही है। रिलेटेड टू द सर्कुलेशन, सर्कुलेशन के अंदर क्या होता है, अगर उसका जो हार्ट रेट है वो लेस देन 60 है, ठीक है, तो हम कंप्रेशन देते हैं उसको, 2-3 कंप्रेशन और उसके बाद 1 ब्रेथ और 2 सेकंड्स के अंदर हम दोबारा ये रिपीट कराते हैं प्रोसेस, सही है। और 2/3 ऑफ द एंटीरियर चेस्ट वॉल के ऊपर हम पूरा ये करते हैं, कंप्रेशन देते हैं हम उसको, ठीक है, सीपीआर कहते हैं जिसको, ठीक है। ड्रग्स एपिनेफ्रिन देते हैं, अगेन एपिनेफ्रिन जो है उसके इंट्रावीनस और मस्कुलर दोनों अलग अलग डोजेस में आते हैं, दैट्स व्हाई। अच्छा, और करेक्ट स्टेप्स क्या है, करेक्ट स्टेप्स को आप मेमोराइज कर सकते हो एमआर मिस्टर सो पा। मिस्टर इज स्टैंड फॉर द एडजस्टमेंट, ठीक है। आर इज स्टैंड फॉर रिपोजिशन। स्निफ और डॉग पोजिशन में लिटाते हैं, ठीक है, फिटस को और उस और बेबी को, और अगर वो करेक्ट स्टेप जो है उसमें हमने उसको रिपोजिशन कराना है अगर पोजिशन उसकी ठीक ना हुई, ठीक है। सोपा एस इज स्टैंड फॉर सक्शन ऑफ माउथ एंड नोज, सक्शन ऑफ माउथ प्लस नोज, ओपन एयरवे, प्रेशर इंक्रीज, और ए स्टैंड फॉर एयरवे अल्टरनेटिव, एयरवे अल्टरनेटिव, ठीक है। दिस इज द करेक्ट स्टेप्स। अगर ये आपसे पूछते हैं तो आप ये बताना, इक्विपमेंट भी हो गए इसकी, सारी चीजें हो गई है, ठीक है। अच्छा, इसका काम क्या है, व्हाट इज द मेन फंक्शन, और हम इन सब चीजों को क्या करते हैं। सबसे पहले तो हमने हीट जो है बॉडी से जो लूज हो रही है, प्रिवेंट द हीट लॉस, सही है। सेकंड, ब्रीदिंग को जो है हमने ओपन द एयर वे एंड कंटिन्यू द ब्रीदिंग, ठीक है। थर्ड, मेंटेन द सर्कुलेशन, सही है, ये भी हम जो है करते हैं, और इंजेक्ट द ड्रग्स एंड क्लियरली मॉनिटरिंग, ठीक है, आप अपने पेशेंट को मॉनिटर करो क्लोजली कि उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्लियर। ओके, द नेक्स्ट वन इज एफगार स्कोर। एफगार स्कोर से रिलेटेड अगर हम बात करें तो मैं एक टेबल ड्रॉ करना चाहूंगा यहाँ पे और आपको बताता हूँ कि एफगार स्कोर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। एफगार स्कोर में हम अपेयरेंस देखते हैं और उसके अंदर हम पल्स रेट देखेंगे, हार्ट रेट देखेंगे, और उस स्कोर के ऊपर हम कैलकुलेट करते हैं कौन कौन सी वैल्यू और कितनी कितनी होनी चाहिए, सही है। ग्रेमिस देखते हैं उसमें, रेस्पिरेटरी रेट देखते हैं उसमें, और एक्टिविटी भी देखते हैं हम, सही है। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ टेबल, दिस इज फॉर आवर कंटेंट,
grade 0, grade 1, and this is our grade 2. 2, 1, 0, and here is the serial number. ठीक है, सबसे पहले मैं वैसे ही लिखूंगा A, P, G, A एंड R. क्लियर? एबगार. A is stand for appearance. अपेयरेंस जीरो के अंदर क्या होगा, या तो ब्लू अपेयरेंस होगी या फिर पेल अपेयरेंस होगी. ठीक है, अगर आपका बेबी इस कलर में अपेयर हुआ तो यू हैव टू पुट ऑन द एबगार टेबल जीरो ग्रेडिंग. ठीक है, वहां पे जीरो आप पुट करेंगे. अगर उसका जो ट्रंक है वो हुआ ट्रंक प्लस बॉडी पिंक प्लस जो उसकी एक्सट्रीमिटीज है या लिम्स है, एक्सट्रीमिटीज और लिम्स वो हो साइनोटिक, साइनोटिक तो पुट वन फॉर देम. कंप्लीट पिंक कलर, होल बॉडी, होल बॉडी इसमें आप स्कोर दोगे टू. कम टू द पी स्टैंड फॉर पल्स. ठीक है, ओ आर हार्ट रेट. क्लियर, इसके अंदर अगर एबसेंट हुई, एबसेंट पल्स यू हैव टू पुट जीरो ऑन द एबगार स्कोर टेबल. अगर लेस देन 100 हुई, ठीक है, तो यू हैव टू पुट वन स्कोर. अगर मोर देन 100 हुई अगेन ऑन द टेबल टू. रिलेटेड टू द जी ग्रेमिस, ग्रेमिस मीन रिस्पॉन्स ऑन द स्टिमुलेशन. जब आप स्टिमुलस देते हो तो उसका रिस्पॉन्स कैसे आता है वो देखते हैं आप. अगेन यहां पे एबसेंट हेयर विल बी लो, यहां पे कफ प्लस स्नीजिंग, स्नीजिंग. ठीक है, ए स्टैंड फॉर एक्टिविटी, एक्टिविटी लैम्प एक्टिविटी, मॉडरेट हाईली एक्टिव मोशन. क्लियर, द नेक्स्ट वन आर स्टैंड फॉर रेस्पिरेटरी. ठीक है, हेयर विल बी लो, हेयर इज मॉडरेट प्लस इरेगुलर और हेयर इज रेगुलर. ठीक है, इसके साथ में आपने स्कोर देने हैं अपने फीटस को कि उसका कितना स्कोर हो, तो नॉर्मल है एबनॉर्मल है. ठीक है, वो सारी चीजें आपने बतानी. दिस इज ऑल अबाउट द एबगार टेबल. ओके, नेक्स्ट इज जॉन्डस ऑफ न्यूबॉर्न क्लासिफिकेशन. सबसे पहले तो आपको जॉन्डस का पता होना चाहिए, व्हाट इज जॉन्डस. ठीक है, जॉन्डस इज येलो डिस्कलरेशन होती है स्किन की, और स्किन की येलो डिस्कलरेशन की वजह से स्क्लेरा या फिर हमारे जो होते हैं कंजक्टाइवा और स्किन भी सारी येलो अपेयर होने शुरू हो जाती है. क्यों? ड्यू टू द एबनॉर्मल अकोमोडेशन ऑफ बिलिरुबिन. ठीक है, इसको हम डिवाइड करते हैं दो उसमें, क्योंकि उसने पूछा है जॉन्डस क्या होता है और टाइप्स ऑफ जॉन्डस. हम इसको डिवाइड करते हैं एक तो फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल के बेस पे. ठीक है, फिजियोलॉजिकल जॉन्डस जो होता है वो नॉर्मली प्रेजेंट होता है और खुद ही डिसअपियर हो जाता है आफ्टर द 14 डेज. सही है, देन होता है पैथोलॉजिकल. पैथोलॉजिकल जॉन्डस जो होता है वो प्रेजेंट होता है फर्स्ट डे के ऊपर ही प्रेजेंट होता है. ठीक है, जैसे पैदा होता है बेबी तो उसके अंदर जॉन्डस होता है, वो येलो येलो हुआ होता है. सही है सारा, तो होता है पैथोलॉजिकल. सही है, देन हम डिवाइड करते हैं इसको ऑन द बेसिस ऑफ टाइम. अर्ली जॉन्डस जो होता है वो अपेयर होता है बिफोर 36, लेस देन 36 आवर्स ऑफ एज. ठीक है, और वो खुद डिसअपियर होता है 14 डेज के अंदर, खुद ही डिसअपीयर हो जाता है. ठीक है, फिर होता है लेट जॉन्डस. लेट जॉन्डस जो होता है आफ्टर 36 आवर्स ऑफ एज के अंदर अपीयर होता है लेट जॉन्डस. देन होता है प्रोलॉन्ग जॉन्डस जिसकी मैच्योर के अंदर मोर देन 14 डेज जो है वो कंटिन्यू रहता है, और प्रीमैच्योर के अंदर 21 डेज से भी ज्यादा कंटिन्यू रहता है. ठीक है,
कहते हैं डीप जॉन्डस। डीप जॉन्डस के अंदर क्या होता है कि आपके सोल, फीट और साथ में पाम वगैरह ये सारे येलो अपेयर होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द लिटिल बिट डिस्क्रिप्शन। और जॉन्डस में अगर बिलरुबिन का लेवल आप देखो तो मोर देन 12 होता है, ठीक है, और इन फिजियोलॉजिकल सही है। और उसके साथ साथ डिपेंड करते हैं वेरिएशन इसके, होते हैं पीक वैल्यू पे 15 पे भी चला जाता है, मोर देन 15। ठीक है, तो वेरिंग कैरेक्टरिस्टिक दे है। और उसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया इन्होंने, द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एंड एबनॉर्मल जॉन्डस। ठीक है, नॉर्मल जॉन्डस कौन सा होता है और एबनॉर्मल जॉन्डस क्या होता है। ठीक है, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल जॉन्डस और एबनॉर्मल नॉन फिजियोलॉजिकल जॉन्डस। स्किन एंड जो स्किन होते हैं एंड स्क्लेरा होता है वो येलो होता है, बट नन ऑफ द अबव, हो सकता है कि येलो भी ना हो। ठीक है, और उसके साथ साथ फिजियोलॉजिकल जॉन्डस जो होता है, जैसे हमने कहा कि ये 14 डेज तक रहता है, उसके बाद वो डिसअपेयर हो जाता है। ठीक है, और इसको अगर हम डिवाइड कर लें अर्ली या फिर लेट पे, तो अर्ली लेस देन 36 और लेट जो होता है आफ्टर 36 आवर्स के बाद जो है वो अपेयर होना शुरू हो जाता है। ठीक है, दिस इज द अबाउट फिजियोलॉजिकल जॉन्डस। और फिजियोलॉजिकल जॉन्डस के अंदर एक और चीज याद रखनी है आपने, वो ये कि फिजियोलॉजिकल जॉन्डस में जो बिलरुबिन लेवल होता है वो 85 मिलीमोल होता है पर लीटर। ठीक है, 85 मिलीमोल पर लीटर। अगर डेसीलीटर में पूछते हैं तो 12 डेसीलीटर। ठीक है, याद रखना लीटर और डेसीलीटर का फर्क याद रखना। मोर नॉट मोर देन 12 डेसीलीटर इन होता है फिजियोलॉजिकल में, और अगर मिलीमीटर में पूछते हैं तो ग्रेटर देन 85 मिलीमीटर मिलीमोल पर लीटर। सही है, और जो वो होता है एबनॉर्मल फिजियोलॉजिकल जॉन्डस होता है वो होता है स्टार्ट, जैसे पहले मैंने कहा था कि फर्स्ट डे से ही स्टार्ट होगा वो। सही है, और उसके साथ साथ मोर देन 14 डेज तक वो रहता है टर्म में और 21 डेज तक रहता है प्री टर्म में, जो इमेच्योर बेबीज होते हैं। सही है, और जॉन्डिस इस जॉन्डिस के साथ फीवर भी होता है, और उसके साथ साथ पाम सोल्स और उसके साथ जो स्किन्स है और स्किन के अंदर भी ये येलो और पेल कलर जो है हमें अपेयर दिखाई देता है। सही है, बिलरुबिन की मेटाबॉलिज्म क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेटाबॉलिज्म ऑफ बिलरुबिन। सबसे पहले तो जब हीमोग्लोबिन टूटता है तो दो पार्ट में जाता है, हीम और ग्लोबिन पार्ट में। देन हीम जो है वो से आयरन बनते हैं और आगे बिलरुबिन बनता है। ठीक है, बिलरुबिन जो है अनकॉन्जुगेटेड और कॉन्जुगेटेड फॉर्म में होता है। अनकॉन्जुगेटेड बिलरुबिन के ऊपर ग्लूकोरिनाइल ट्रांसफरेज एड करता है और उसको कन्वर्ट करता है कॉन्जुगेटेड फॉर्म में। कॉन्जुगेटेड बिलरुबिन विल बी ट्रांसफर टू द बाइल जो गाल ब्लैडर है। ठीक है, उसमें ट्रांसफर किया जाता है और स्टोर किया जाता है एज अ बाइल। ठीक है, और उसके बाद गाल ब्लैडर जो बाइल डक्ट होती है, गाल ब्लैडर से वो जाके इंटेस्टाइन में जाता है, वहां से फीसिस के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट किया जाता है। ठीक है, तो ये है इसकी पूरी मेटाबॉलिज्म पाथवे। अगेन हीमोग्लोबिन विल बी ब्रेक डाउन इंटू टू, ग्लोबिन एंड हीम। हीम विल फर्दर ब्रोकन इंटू टू पार्ट, दैट इज नोन एज आयरन, और आयरन के साथ साथ वो कन्वर्ट होता है बिलरुबिन में। बिलरुबिन से पहले बिलिवर्डिन में होता है लेकिन बाद में बिलरुबिन में कन्वर्ट होता है, बट टू द पॉइंट अगर आप सुनाओ तो बिलरुबिन डायरेक्ट बता दो। अनकॉन्जुगेटेड फॉर्म इज कन्वर्टेड टू कॉन्जुगेटेड, एंजाइम इज एक्ट ग्लूकोरिनाइल ट्रांसफरेज इन लिवर। ठीक है, वो इसको कन्वर्ट करता है और कॉन्जुगेटेड फॉर्म में लेकर आता है। उसके बाद वो बाइल डक्ट से सॉरी वो आता है गाल ब्लैडर में, गाल ब्लैडर में स्टोर होता है, और उसके बाद बाइल डक्ट के थ्रू वो किस में आता है इंटेस्टाइन में, और वहां से निकल जाता है। ठीक है, फीसिस के साथ। दिस इज द मेटाबॉलिज्म ऑफ बिलरुबिन। ओके, पैथोजेनेसिस ऑफ जॉन्डस। ठीक है, पैथोलॉजिकल जॉन्डस जो होता है ये होते हैं चिल्ड्रन के अंदर, इसके सेवरल कॉजेज हो सकते हैं। ठीक है, पैथोलॉजिकल वर्ड पैथोलॉजिकल से ही पता चल रहा है कि ये वो वाला जॉन्डस है जो कि बाय बर्थ प्रेजेंट होगा। सही है, अब बाय बर्थ अगर प्रेजेंट हो रहा है तो वो क्या होगा कि जो टर्म बेबी होंगे 14 डेज तक रहेगा, मोर देन 14, और जो प्री टर्म होंगे 21 डेज तक रहेगा। सही है, अब पैथोलॉजिकल जॉन्डस जो है यहाँ पे एबनॉर्मल डिस्ट्रक्शन होती है आरबीसीज की, सेवरल जो है इसकी कॉजेज हो सकती है। सबसे पहले इट कुड बी ड्यू टू द आरएच फैक्टर। ठीक है, रेसिस मंकी फैक्टर जो है, अगर आरएच नेगेटिव मदर जो है आरएच पॉजिटिव बेबी को कंसीव करती है फर्स्ट टाइम, तो ऐसा कोई रिएक्शन नहीं होगा, बट सेकंड टाइम अगर वो ऐसे कंसीव करते हैं और उसको एंटीडॉट ना दी गए तो जो फीटस ब्लड है ठीक है उसके अंदर अग्लूटिनेशन होती है, वहां पे आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है। सही है,
पहला। सेकंड, डिफिशियंसी ऑफ G6PD एंजाइम। G6PD एंजाइम की अगर डिफिशियंसी होती है तब भी आरबीसीज की एबनॉर्मल डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाती है। और EBO इनकम्पेटिबिलिटी, ठीक है, जो EBO ग्रुप है हमारे ब्लड के, अगर उसकी इनकम्पेटिबिलिटी हुई तभी जाके उसकी आरबीसीज की एबनॉर्मल डिस्ट्रक्शन होती है, ठीक है। और उसके अलावा इन्फेक्शन हो सकते हैं, ठीक है, जैसे रूबेला हो गया है, जैसे कि HIV है, या फिर टॉक्सोप्लाज्मोसिस है, ठीक है, ये सारे। और उसके अलावा जो है हमारे पास दूसरे भी आते हैं इस जो कॉज करते हैं, जैसे कर्निक्टरस है, डिफनेस है, सेरिब्रल पाल्सिस कॉज होती है इसके, अगर एबनॉर्मल बिलरुबिन की वो हो, अकोमोडेशन हो न्यू बॉर्न के अंदर। और कंडीशन को हम कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोलिसिस फुटेलिस, जिसके अंदर कर्निक्टरस और डिफनेस वगैरह होते हैं जो कि सेरिब्रल पाल्सी कॉज करते हैं, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट द पैथोलॉजिकल जॉन्डस, उसकी कॉजेज भी हमने देखी कि कौन कौन सी कॉजेज हो सकती है। एक और इम्पोर्टेंट चीज, अगर पैथोलॉजिकल जॉन्डस की हम बात कर ही रहे हैं तो एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं ये बताऊं, अगर वहां पे इंजाइम के लिवर से रिलेटेड अगर कोई लिवर माल फंक्शन है तो देयर विल बी प्रॉब्लम विद द एल्ब्यूमिन। लिवर प्रॉपर इंजाइम जो है नहीं बनाएगा, जो कि एल्ब्यूमिन है और ग्लोबुलिन है उसके साथ फाइब्रिनोजेन, ठीक है। एल्ब्यूमिन जो है मेजर इंजाइम होता है उसका, अगर वो नहीं बनेगा जो कि इन्वॉल्व होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ द बिलरुबिन, जहां जहां पे आरबीसीज टूटते हैं उसके बिलरुबिन को कौन लेकर आता है साथ में, एल्ब्यूमिन। अगर एल्ब्यूमिन की डिफिशियंसी होगी तो देर विल बी एबनॉर्मल एकोमोडेशन ऑफ बिलरुबिन इनसाइड द बॉडी, ठीक है, जिस वजह से येलो अपेयरेंस शुरू हो जाती है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस ऑफ न्यू बॉर्न इथियोलॉजी क्लिनिकल साइंस एंड नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रेंज क्या होती है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करूंगा कि फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस जो होता है ये बाय बर्थ प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है, ये कुछ दिन बाद जाके 4 to 5th डे या 4 to 6th डे के दरमियान ये अपेयर होता है, और इसका जो ड्यूरेशन है 14 डेज के अंदर खुद ही गायब हो जाता है, सही है। ट्रीटमेंट भी करते हैं, ट्रीटमेंट में एंड में बताऊंगा, लेकिन थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन। इसके अंदर बिलरुबिन का जो लेवल होता है ग्रेटर देन 85 मिलीमोल पर लीटर, ओआर जो 12 नॉट मोर देन 12 जो मिलीग्राम होता है किसका, बिलरुबिन का पर डिसलीटर, तो ये उसकी नॉर्मल रेंज होती है, सही है। फिजियोलॉजिकल जॉन्डस के अंदर अगर इसकी इथियोलॉजी देखे तो क्या होता है कि जो न्यू बॉर्न होते हैं उसके अंदर आरबीसीज जो है अबंडेंट अमाउंट होते हैं एज कम्पेयर टू एडल्ट, बहुत ज्यादा आरबीसीज काउंट होता है एडल्ट से ज्यादा बच्चों के अंदर, सही है। बट उसकी लाइफ जो टाइम है, जो लाइफ स्पान है उसका, वो बहुत कम होता है, जिसकी वजह से आरबीसी जल्दी डिस्ट्रॉय होने शुरू हो जाते हैं जैसे फीटस की डिलीवरी होती है, ठीक है। और जो न्यू बॉर्न है, न्यू नेट है, उसकी जब डिलीवरी होती है तो न्यू नेट के जो आरबीसी है उसकी डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से एकमुलेशन होती है किसकी, बिलरुबिन की। अगर क्वेश्चन अराइज करते हैं, वो आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछते हैं कि मदर के अंदर भी तो आरबीसी की डिस्ट्रक्शन हो सकती है, तो उस पर क्या होगा, अगर मदर के अंदर जब वो यूट्रस के अंदर है तब प्लेसेंटा जो है वो बिलरुबिन को फिल्टर कर रहा होता है, उसकी वजह से तब जाके उसके अंदर जॉन्डस की कंडीशन आती। आई एम टॉकिंग अबाउट द फिजियोलॉजिकल कंडीशन, नॉट अबाउट द पैथोलॉजिकल कंडीशन, सही है। तो प्लेसेंटा उसको फिल्टर कर रहा होता है, उसकी वजह से जो है बिलरुबिन की फॉर्मेशन नहीं हो रही होती है, सही है। जैसे बच्चा पैदा होता है, अब ये लिवर का काम है कि बिलरुबिन को डिटॉक्सिफाई करके और बाइल की फॉर्मेशन करवा दे। अब चूंकि लेवर जो है वो इतना मिच्योर नहीं होता, जैसे कि हमने अर्ली क्वेश्चन में भी पढ़ा है कि सिर्फ लेफ्ट लोब ही एक्टिव फंक्शनल लोब होता है, बाकी जो लिवर होता है वो इतना वेल डेवलप नहीं होता, इनडिफ्रेंशिएटेड होता है, सही है। तो उसकी वजह से बाइल जो है उसकी डिटॉक्सिफिकेशन नहीं कर सकता और उसकी बाइल फॉर्मेशन नहीं करा सकता, दैट्स वाई बिलरुबिन के अबंडेंट अमाउंट में एकमुलेशन होती है बॉडी के अंदर, जो 14 डेज के अंदर खुद ही डिसअपियर हो जाती है, ठीक है। इथियोलॉजी इज जस्ट बिकॉज ऑफ द हाई अमाउंट ऑफ आरबीसी प्रेजेंट इनसाइड द न्यू नेट्स। क्लिनिकल साइन क्या है, अगेन वही येलो स्किन, आईज वगैरह होंगे, ठीक है, ये सारी चीजें आपने बतानी है, सही है। डायग्नोस्टिक जो बिलरुबिनोमीटर होता है वो हम लगाते हैं उसके साथ, क्योंकि हम सीरम को नहीं लेते 24 आवर्स अर्ली 24 आवर्स के अंदर, अगर उसके बाद भी उसको है तो हम तब जाके देखते हैं क्या क्या सीरम ले ले, उसे ब्लड वगैरह ले ले, ठीक है। लेकिन पहले 24 आवर्स में हम नहीं लेते सीरम वीरम, जस्ट बिलरुबिनोमीटर जो होता है वो लगाते हैं और उसे हम बिलरुबिन के जो लेवल है वो काउंट करते हैं कि कितना बिलरुबिन है उसके अंदर। ट्रीटमेंट क्या है, फोटोथेरेपी कराते हैं या तो सनलाइट जो है उसमें कराते हैं कि 15 to 20 मिनट एक्सपोजर करवाओ बेबी का, ठीक है, और उसकी स्पेसिफिक टाइमिंग होती है मॉर्निंग में
तो उसको सनलाइट एक्सपोजर कराते हैं। अगर हॉस्पिटल में है तो ब्लू लाइट जो होती है उसमें, जो ब्लू लाइट के अंदर फूड थेरेपी करवाते हैं और बिलिरुबिन को वहां पे उसकी डिस्ट्रक्शन कॉज कराते हैं वाय द ब्लू लाइट। सही है। अदर देन दिस हम इम्यूनोग्लोबिन जो है वो भी इंजेक्ट करवाते हैं, उसकी थ्रू भी ये होती है फोटोथेरेपी और इम्यूनोग्लोबिन थेरेपी कराते हैं हम अपने ऐसे पेशेंट की जिसको जॉन्डस हुआ हो। ठीक है, फिजियोलॉजिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन फिजियोलॉजिकल नॉर्मल जॉन्डस ऑफ न्यू बॉर्न। आप जो है अभी एक्सप्लेन करा ऑलरेडी हमने, और एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन भी कर सकते हैं ट्रीटमेंट में। ठीक है, ये भी इसका है मेथड ऑफ ट्रीटमेंट। नाउ पैथोलॉजिकल जॉन्डस न्यू बॉर्न, एथियोलॉजी, क्लिनिकल साइन और डायग्नोसिस वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग। सही है। चलो जी, पैथोलॉजिकल जॉन्डस, अभी मैंने थोड़ी इससे पहले जो फिजियोलॉजिकल से पहले हमने क्वेश्चन डिस्कस करा था उसमें पैथोलॉजिकल जॉन्डस का ही पूछा था, सेम क्वेश्चन है फिर से। पैथोलॉजिकल जॉन्डस जो है ये सबसे पहले बाय बर्थ प्रेजेंट होता है, फर्स्ट डे पे ही प्रेजेंट होता है ये। सही है। और बिलिरुबिन का लेवल हाई होता है इसके अंदर। सही है। और हमने पैथोलॉजिकल जॉन्डस की रीजन बताया कि क्या क्या हो सकती है। या तो हो सकते हैं कि EBO, RH इनकम्पेटिबिलिटी, ठीक है, या फिर हो सकता है आपके जो दूसरे फैक्टर है जैसे टॉक्सोप्लाज्मोसिस हो गया है, रूबेला हो गया है, कोई जर्मन मम्स मीजल वगैरह हो गए हैं, ठीक है, इस वजह से भी होता है, या फिर एरिथ्रोब्लास्टोलिसिस फुटेलिस, ठीक है, जिस वजह से सेरिब्रल पाल्सिस वगैरह होती है। तो आप जो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं सेम क्वेश्चन है ये भी, नथिंग टू वरी। डायग्नोसिस इसकी भी वही बिलिरुबिन मीटर जो है वो हम लगाते हैं जो हमें बताता है कंटिन्यूअसली कि उसका कितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शन एंड ऑन्टोजेनेसिस ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम क्या है? इम्यून सिस्टम कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, किसका? ऑर्गन का, प्रोटीन्स का, या फिर सेल्स का, या फिर हम कह सकते हैं मॉलिक्यूल्स का, जो हमारी बॉडी को सेफ रखती है फ्रॉम द एक्सटर्नल और पैथोजेनिक जो पॉजिटिव एजेंट होते हैं उससे। अब जो है हम इसको डिवाइड करते हैं, व्हाट इज इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम जो होता है मैंने पहले जैसे बताया कि सेल और उसके साथ ऑर्गन और देन मॉलिक्यूल जो कि रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं पैथोजेंस को, दिस इज नोन एज इम्यून सिस्टम। व्हाट इज इम्यूनोलॉजी? द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम इज नोन एज इम्यूनोलॉजी। ठीक है। दो तीन और टर्मिनोलॉजी वो पूछते हैं जिसमें वो आपसे ये पूछेंगे कि इम्यून सिस्टम क्या है और फिर इम्यूनोलॉजी क्या है। उसके साथ हो सकता है आपसे एक और क्वेश्चन पूछे रिलेटेड टू द इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या है? ये वो रेजिस्टेंस है जो कि हम हमारी बॉडी ऑफर करती है टू द पैथोजेंस, दिस इज नोन एज इम्यूनिटी। या फिर इम्यून रिस्पॉन्सेस पूछ सकते हैं। इम्यून रिस्पॉन्सेस ये कोऑर्डिनेटेड और कोऑपरेटिव रिस्पॉन्स होता है हमारे अपने इम्यून सिस्टम का अगेंस्ट द इन्फेक्शन और इन्फेक्शियस एजेंट। ठीक है। रोल ऑफ द इम्यून सिस्टम क्या है? पहले बताया है कि डिफेंस करता है अगेंस्ट द माइक्रोब, टू किल द ट्यूमर सेल्स, टू किल द जो एपोप्टोसिस होते हैं उस सेल्स की, फेगोसाइटोसिस कराना, ठीक है, क्लियर द डेब्रिस वगैरह, और होमियोस्टेसिस, डिस्ट्रक्शन ऑफ एबनॉर्मल और डेड सेल्स। इम्यून सिस्टम अगेन ऑर्गन, सेल्स और मॉलिक्यूल पे। ऑर्गन के अंदर क्या आते हैं? टॉन्सिल्स, एडिनॉइड्स, उसके साथ साथ जो लिम्फ नोड होते हैं वो, पायर पैचेस आते हैं हमारे, लिम्फ लिम्फेटिक विसल्स आते हैं, ठीक है, थायमस आता है हमारा, और उसके साथ साथ हमारे आते हैं स्प्लीन आता है हमारा, अपेंडिक्स आता है हमारा, ठीक है, ये सारे जो है ये ऑर्गन होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में। सही है। सेल्स कौन से हैं? टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट, टी हेल्पर सेल, किलर सेल, साइटोटॉक्सिक सेल, नेचुरल किलर सेल, डेंड्राइटिक सेल, ठीक है, उसके अलावा मोनोसाइट्स होते हैं, सेवरल न्यूट्रोफिल्स वगैरह है, बेसोफिल्स हो गए हैं, सिनोफिल्स हो गए, ये सारे इसके अंदर आते हैं सेल्स लिम्फोसाइट्स में। ठीक है। मॉलिक्यूल्स में फिर वही चीजें, ठीक है, लिम्फेटिक विसल्स, बोन मैरो, थाइमस, लिम्फ नोड, लिम्फेटिक विसल्स, उसके साथ पायर पैचेस, अपेंडिक्स, वो सारी चीजें इसके अंदर आते हैं। व्हाट इज इनेट इम्यूनिटी? इनेट इम्यूनिटी याद रखना कि बाय बर्थ प्रेजेंट होती है, और इनेट इम्यूनिटी जो होती है ये इसका ट्रांजिट और सडन रिस्पॉन्स होता है। ठीक है। उस वक्त अगर कोई इन्फेक्शन एंटीजन पकड़ते हैं तो ये सडनली रिस्पॉन्स करते हैं। सही है। दे डोंट हैव एनी कैपेसिटी टू स्टोर द प्रीवियस एक्सपीरियंस, सो इनके पास वो एबिलिटी नहीं होती। सही है। और अगर री इन्फेक्शन होता है तो अगेन वही सेम ट्रांजिएंट एंड रैपिड रिस्पॉन्स देते हैं बॉडी, और ये बाय बर्थ होती है। सही है। इनेट इम्यूनिटी।
अगर बाय बर्थ प्रेजेंट है तो हमें क्या पता, जैसे कि हम आईजीजी के बारे में बात करते हैं कि दिस इज द ओनली एंटीबॉडी विच कैन क्रॉस द प्लेसेंटा एंड प्रोवाइड द इनिशियल इम्यूनिटी इन साइड द यूटरस, सही है? तो उस वजह से इनेट इम्यूनिटी जो है बाय बर्थ प्रेजेंट होती है। ओके, नेक्स्ट वन इज इनेट इम्यूनिटी के जो है हम तीन चीजें देखते हैं, या तो ये बायोलॉजिकल बैरियर, या फिर ह्यूमरल, या फिर सेलुलर। ठीक है, अगर हम बायोलॉजिकल बैरियर की बात करें, जैसे स्किन है हमारी, ठीक है, जैसे कि स्टमक के अंदर एसिडिटी है, जैसे हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर सीलिया है, जैसे हमारे जो यूरिनरी ट्रैक है उसके अंदर जो है सेवरल मैकेनिज्म जो है उसके अंदर होते हैं और वो इन्फेक्शन नहीं होने देते हैं, और उसके अंदर एंटीबॉडी भी प्रेजेंट होते हैं, सही है? रिलेटेड टू द फीमेल जेनिटल जेनिटेलिया, देर विल हाईली एसिडिक मीडियम इन द विजाइना, ड्यू टू विच देर विल बी नो एनी इन्फेक्शन, अप टू सम एक्सटेंट देर विल बी नो एनी इन्फेक्शन। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ये इनेट इम्यूनिटी के अंदर ही आती है, कि मैकेनिकल बैरियर्स होते हैं, सही है? अदर देन दिस, ह्यूमरल के अंदर क्या होता है, ह्यूमरल के अंदर ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम बनाते हैं, ठीक है, जितने भी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होते हैं जिसके अंदर आपके आते हैं C3B वगैरह आते हैं, ऑप्शनाइजेशन करवाते हैं, C3B, C5A, ऑप्शनिन होते हैं हमारे, ठीक है, जो कि फ्यूगोसाइटोसिस करवा सकते हैं आगे मैक्रोफेजिस को बुला के, और ये पूरी ही पैथोजेंस की जो होता है एपोजिटिव एजेंट होता है उसकी सेल मेम्ब्रेन के फॉस्फोलिपिड्स की मिमिक्री कर देते हैं, लाइक हेड्स को एक साइड पे अरेंज करते हैं और टेल्स को दूसरी साइड पे अरेंज करके ऑप्शनाइजेशन करवा देते हैं, सही है? तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम और ऑप्शनिन वगैरह जितने भी होते हैं और ये होते हैं इसके पास ह्यूमरल के अंदर, ठीक है। देन आते हैं हम बात करते हैं सेलुलर पे, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल, एसिनोफिल और मोनोसाइट, नेचुरल किलर सेल, ये सारे जितने भी हैं ये किस में इन्वॉल्व होते हैं, एनिट इम्यूनिटी के अंदर, ठीक है, ये भी इन्वॉल्व होते हैं, सही है, जो कि प्रोवाइड करते हैं इम्यूनिटी को। दिस इज ऑल अबाउट द एनिट इम्यूनिटी। व्हाट इज एडेप्टिव इम्यूनिटी? एडेप्टिव इम्यूनिटी की अगर हम बात करें तो एडेप्टिव इम्यूनिटी सेकेंड लाइफ लाइन रिस्पॉन्स है बॉडी का, सही है? और एडेप्टिव इम्यूनिटी जो होती है ये बेस्ड करती है इन्फेक्शन के ऊपर, या फिर एक्वायर्ड होती है। एक्वायर्ड मीन कि बाय बर्थ प्रेजेंट नहीं होती, बाद में जाके होती है, जब बार बार इन्फेक्शन होते हैं तो उसके रिस्पॉन्स में ये इम्यूनिटी बनती है। दे आर मीडिएटेड बाय टू टाइप ऑफ सेल, टी सेल्स एंड बी सेल्स, ठीक है। उधर जाने से पहले थोड़ा सा एडेप्टिव इम्यूनिटी के बारे में बताइए, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में बताते हैं। एक तो सेकंड लाइन में ये जो है रिस्पॉन्सेज आते हैं जब आपकी फर्स्ट लाइन फेल हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल कोई पैथोजेन जब आपकी जो मैकेनिकल बैरियर है उसको क्रॉस कर जाता है, या इंजाइम, सेवरल इंजाइम या ऑप्शन इन कॉम्प्लीमेंट सिस्टम आपकी फेल हो जाते हैं, या वाइट ब्लड सेल जो है न्यूट्रोफिल्स वगैरह बेसोफिल वगैरह फेल हो जाते हैं, तब क्या होता है, तब देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ द टी सेल्स एंड बी सेल्स, सही है? हमारे जो कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, वो उसको लेकर आते हैं और प्रेजेंट करते हैं टी सेल्स के सामने। आप टी सेल्स और बी सेल्स दोनों के अलग अलग फंक्शन है। टी सेल जो होते हैं वो सेलुलर मीडिएटेड उसे इम्यूनिटी के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, और वो खुद जाके सेंस करते हैं MHC-1 और MHC-2 के ऊपर जो एंटीजन प्रेजेंट वो होते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल उसको लेकर आते हैं और वो MHC-1 और MHC-2 को सेंस करते हैं और उसे पता लगाते हैं कि वायरल या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। अगर MHC-1 हुआ तो इट विल बी वायरल इन्फेक्शन, अगर MHC-2 हुआ तो देयर विल बी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सही है? अब अदर देन दिस, उसके साथ साथ क्या होता है कि टी सेल जो होते हैं खुद उसकी फ्यूगोसाइटोसिस करवाते हैं, बिकॉज दे आल्सो हैव CD4 एंड CD8 मार्कर सेल्स। CD4 इज प्रॉपरली फॉर बैक्टीरिया एंड CD8 इज साइटोटॉक्सिक इन नेचर एंड दे विल किल द वायरसेस, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट बी सेल्स, बी सेल जो होते हैं ये एक स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं जो कि अगर टी सेल्स भी हेल्प ना कर सके, अब जाके काम है एंटीबॉडीज की फॉर्मेशन कराना। द फॉर्मेशन ऑफ द एंटीबॉडीज इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द बी सेल्स, प्लाज्मा सेल्स विल कन्वर्टेड इन टू द इसमें एंटीबॉडीज में। वी हैव फाइव टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज, IgA, IgA, IgM, IgE, IgD, ठीक है, IgG। आप इसको निमोनिक से याद कर सकते हैं कि आपको भूले ना कभी, गेम्ड, GAMED, ठीक है, IgG, IgA, IgM, IgE और IgD, इस निमोनिक से आप इसको याद कर सकते हो। IgG जो होता है, ठीक है, हम इस इन्फेक्शन की ड्यूरेशन का पता लगाते हैं कि इन्फेक्शन पुराना है, मतलब एक्यूट है या क्रॉनिक है। IgG जो होता है ये अगर सिंगल फोल्ड हुआ इट्स मीन कि जो इन्फेक्शन है वो क्रॉनिक है, सही है? अगर फोर्थ टाइम मोर हुआ ये इट्स मीन कि इन्फेक्शन जो है वो एक्यूट है। सेम
आईजीए जो है वो बाद में इसको डिस्कस करते हैं, सबसे पहले आईजीएम, क्योंकि आईजीजी से रिलेटेड है, इसका थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट है। और आईजीजी से रिलेटेड याद रखना कि आईजीजी जो है दिस इज द ओनली एंटीबॉडी विच कैन क्रॉस द प्लेसेंटा, ठीक है, प्लेसेंटा इनिशियल इम्यूनिटी में यही इन्वॉल्व होता है आईजीजी। आईजीएम, आईजीएम जो होता है ये हमेशा एक्यूट जो इन्फेक्शन होते हैं उसके अंदर हेल्प करता है और ये किल करता है वायरसेस या बैक्टीरिया जो भी आया है उसके, उसमें इन्वॉल्व होता है किलिंग में। IgE से रिलेटेड, IgE इज प्योरली जो है ये इन्वॉल्व होता है एलर्जिक रिएक्शन के अंदर। हम आगे इसके चार टाइप के रिएक्शन भी देखेंगे किस रिएक्शन को कैसे ये हाइपरसेंसिटिविटी टाइप 1 में कैसे इन्वॉल्व होता है। IgA ये जो है ये ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू आता है और यूजली प्रेजेंट होता है किसमें, GIT में और यूरिनरी प्लस जो जेनिटल ट्रैक्ट होते हैं उसके अंदर प्रेजेंट होता है IgA, सही है, और वहां पे इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ओके, इसके दो हैवी चेन्स होते हैं और दो लाइटर चेन होते हैं, यूजली टी शेप या फिर वाई शेप के अंदर होता है, क्लियर। ओके, फंक्शंस भी हो गए हमने और इसके वो भी देख लिया कि क्या क्या होता है क्या नहीं होता। एडेप्टिव के अंदर, एडेप्टिव से रिलेटेड एक दो इंपॉर्टेंट चीजें, इनेट में हमने कहा था कि वो रैपिड रिस्पॉन्स होता है और एडेप्टिव का स्लो रिस्पॉन्स होता है, ठीक है, ये हो सकता है एक हफ्ता लगा दे, सही है, जल्दी रिस्पॉन्स नहीं करती है क्योंकि एंटीबॉडीज की रिक्रूटमेंट वगैरह सारी चीजें करनी होती है, तो इसलिए दे विल टेक टाइम। अदर देन दिस, उसके पास मेमोरी की एबिलिटी नहीं होती कि मेमोराइज करे रिएक्शंस को, इसके पास होती है कि मेमोराइज करता है इन्फेक्शन को कि कौन सा इन्फेक्शन होता है, कौन सी एंटीबॉडी कब बनाई थी। अगेन अगर इन्फेक्शन होता है वही सेम एंटीबॉडी वो बना के ट्रांजिटरी जो है वो रिएक्शन होते हैं सेकंड टाइम पे, रैपिड रिस्पॉन्स इसका भी होता है लेकिन फर्स्ट टाइम पे डिलेड रिस्पॉन्स होता है। ओके, अदर देन दिस दे हैव टू टाइप्स, एक्टिव सॉरी नेचुरल और आर्टिफिशियल, ठीक है। नेचुरल के अंदर क्या होता है, जैसे कि हमने देखा आईजीजी जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर रहा है और आईजीए जो ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू आ रहा है। आर्टिफिशियल में क्या करते हैं, आर्टिफिशियल में हम बैक्टीरिया देते हैं, डेड वैक्सीनेटेड या एटेन्यूएटेड बैक्टीरिया देते हैं और उसके अगेंस्ट हम एंटीबॉडी की फॉर्मेशन कराते हैं, ठीक है। सो एक्टिव और पैसिव, एक्टिव के अंदर हमने देखा एंटीबॉडीज प्रेजेंट बाय बर्थ, ठीक है, और साथ कि ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, और उसमें पैसिव में क्या होते हैं इम्यून जो वो देते हैं बैक्टीरिया शैक्टीरिया देते हैं उसको। एंटीबॉडीज इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इम्यून रिस्पॉन्सेज, क्लासिफिकेशन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्सेज, सेम आंसर है जो अभी एक्सप्लेन करा। क्लासिफिकेशन ऑफ इम्यून रिएक्शंस, सेम जो इम्यून रिएक्शंस हमने जितने भी एंटीबॉडीज वगैरह देखे ये सारी चीजें इसके अंदर ही होती है, ठीक है। वट इज प्राइमरी इम्यून डिफिशियंसी इन चिल्ड्रन, सबसे पहले तो द वर्ड इम्यून डिफिशियंसी का मतलब क्या है। अगर हमारा थाइमस, ठीक है, या बोन मैरो से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हुई तो देयर विल बी नो इन्फॉर्मेशन ऑफ द जो इम्यून सेल्स है, देयर माल फॉर्मेशन होगी, ठीक है, उसकी डिफिशियंसी होगी। अब अगर डिफिशियंसी होती है तो जो पेशेंट के अंदर इम्यून रिस्पॉन्सेज नहीं होंगे अगेंस्ट द इन्फेक्शन तो दे आर ऑन द हाई रिस्क या एट द हाई रिस्क ऑफ गेटिंग इन्फेक्शन, सही है। इम्यूनो डिफिशियंसी को अगर हम प्रॉपरली डिस्कस करें तो दिस इज अ लॉस और इनएडिक्वेट फंक्शन ऑफ वेरियस कंपोनेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम, कह ना करें एनी पार्ट स्टेट ऑफ द इम्यून सिस्टम, या ये फिजिकल बैरियर की वजह से हो सकता है, लिम्फोसाइट्स बी टी सेल्स की वजह से हो सकती है, उसकी डिफिशियंसी हो सकती है, ठीक है, या अदर जो नेचुरल किलर सेल डेंड्राइटिक सेल है उसके अलावा न्यूट्रोफिल बेसोफिल वगैरह जो होते हैं उसकी डिफिशियंसी की वजह से भी हो सकता है। ऐसे पेशेंट के अंदर या तो ऑटोइम्यून डिजीज होती है या दे आर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, ठीक है, और हाई रिस्क होता है इन्फेक्शन का इस इनके अंदर। इम्यूनो डिफिशियंसी की टाइप क्या है, प्राइमरी हो सकती है सेकेंडरी भी हो सकती है। प्राइमरी क्या होती है, कंजेंटल होती है, बाय बर्थ प्रेजेंट होती है, और उसके साथ साथ सेकेंडरी कौन सी होती है, सेकेंडरी होती है हमारे पास जो बाय बर्थ ना हो कंजेंटल ना हो लेकिन बाद इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में इन्वॉल्व होता है, हो सकता है माल न्यूट्रिशन हो सकता है उसको इन्फेक्शन हुआ हो कोई, और हो सकता है जो वो है HIV हुआ हो उसको, मतलब एड्स, या फिर उसको ल्यूकीमिया हो, तो ये जितनी भी है सारी सेकेंडरी की आती है। प्राइमरी में हमने कहा कंजेंटल होता है और उसके साथ साथ हमने कहा कि देयर विल बी डिफिशियंसी इन लिम्फोसाइट मैच्योरेशन, ठीक है, थाइमस वगैरह की अगर एबनॉर्मलिटी चल रही है तो उसकी वजह से भी जो है प्रॉब्लम होती है और वो प्राइमरी में आते हैं कंजेंटल और डिफिशियंसी विद द लिम्फोसाइट्स बी या टी सेल्स दोनों की, तो दिस इज नोन एज प्राइमरी। सेकेंडरी के अंदर हमने देखा माल न्यूट्रिशन या फिर उसके साथ इन्फेक्शन वगैरह या फिर एड्स या उसके साथ ल्यूकीमिया अगर हुआ है तो इन सब की वजह से होती है सेकेंडरी। अगेन द क्वेश्चन 53, सेकेंडरी इम्यून डिफिशियंसी इन चिल्ड्रन दे आर सेम, एलर्जी डिफिनेशन ऑफ द कंसेप्ट एंड जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलर्जी, ठीक है।
अगर हम एलर्जी को डिफाइन करें, व्हाट इज एलर्जी? ये क्लिनिकल इमरजेंसी होती है, यूजली दिस इज द एग्जेजरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ आवर ऑन इम्यून सिस्टम, ठीक है, स्टूपिड बन जाता है और एग्जेजरेटेड रिस्पॉन्स करता है टुवर्ड द एंटीजन, सही है. नाउ और इम्यून सिस्टम इज अनेबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द सेल्फ एंड नॉन सेल्फ एंटीजन, ठीक है, उसकी वजह से ही जाके इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस चलते हैं, उसकी वजह से जो है एलर्जी कॉज होती है. अगर हम एलर्जी की बात करें कि एलर्जी को कौन कौन सी चीजें जो है वो मीडिएट कर सकती है, फैक्टर कौन से हैं, दे कुड बी पोलन ग्रेन, ठीक है, पोलन ग्रेन हो सकती है, उसके अलावा डस्ट पार्टिकल हो सकते हैं, एनिमल डेंडर हो सकते हैं, बी स्टिंग हो सकते हैं, फूड पार्टिकल्स हो सकते हैं. सेवरल लोग होते हैं जिनको सी फूड से, पीनट से, एग से, काओ मिल्क से, ठीक है, इन सारी चीज़ों से एलर्जी होती है. इसके अलावा भी हो सकते हैं बट कॉमनली यही होते हैं. और उसके अलावा जो होते हैं, कुछ लोगों को चिकन से होते हैं, कुछ स्पाइसी मतलब बर्गर वर्गर जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, वो स्पाइसी चीज़ें नहीं खा सकते. कुछ लोगों को इवन ठंड से एलर्जी होती है, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलर्जी हो सकती है हमारे पास, सही है. बट मोस्टली कॉमन एनिमल डंडर, डस्ट पार्टिकल्स या फिर जो है पोलन ग्रेन्स वगैरह, ये सारे इसके फैक्टर्स होते हैं और हाईली कॉन्टीजियस होते हैं. उसके अलावा जो रिएक्शंस होते हैं हमारे अपने टी सेल्स के, अगर हम टी हेल्पर सेल्स की बात करें, पूरे में पैथोजेनेसिस अगर बताएं, एंटीजन को जब पकड़ते हैं डेंड्राइटिक सेल्स, तो उसके ऊपर MHC2 कॉम्प्लेक्स जो है या MHC कॉम्प्लेक्स जो है उसको सेंस करना होता है, किसने? टी हेल्पर सेल्स ने. अब वहां पे टी हेल्पर सेल्स के ऊपर TCR प्रेजेंट होता है, टू लाइक रिसेप्टर्स, ठीक है. अब TLR जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो सेंस करते हैं कि दिस इज सेल्फ एंटीजन और नॉन सेल्फ एंटीजन, सही है. यहाँ पे जो हमारे CD4 सेल्स होते हैं, टी हेल्पर और टी किलर, ठीक है, दोनों जो है बेवकूफ बन जाते हैं, मतलब T1 हेल्पर या T2 हेल्पर सेल्स बेवकूफ दोनों बन जाते हैं. नाउ दे केप्ट ऑन सिक्रीटिंग इंटरफेरॉन गैमा, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा, इंटरल्यूकिन 1, 2, ठीक है, इंटरल्यूकिन 6, 4, 5 और 10, 13, ठीक है, सारे ऐसे इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस को रिलीज कराते हैं. अब अगर इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन रिलीज होंगे तो क्या होगा? दे विल इंक्रीज द नंबर ऑफ एडहेसिव रिसेप्टर्स ऑन द ब्लड वेसल्स, ठीक है, और उसके साथ साथ दे विल कॉज द वैसोडायलेशन, वास्कुलर परमियबिलिटी विल बी इंक्रीज, और उसके साथ साथ देयर विल बी लीकेज फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम, एडिमा होगा वहाँ पे, देयर विल बी इचिंग, एंड उसके साथ साथ जो है वहाँ पे टेम्परेचर हाई होगा, ठीक है, सारी करेक्टरिस्टिक उसके अंदर आती है, सही है, रेडनेस भी होगी वहाँ पे. और हमने देखा जैसे कि टाइप्स ऑफ एलर्जन, हमने देखे कि कितने टाइप्स के एलर्जन हो सकते हैं, फ्रॉम नेचुरल एनवायरनमेंट हमने देखा, और केमिकल भी हो सकते हैं, जैसे एडहेसिव होते हैं या फिर जो पेंटिंग वेंटिंग होते हैं, किसी को इसी से भी एलर्जी होती है, डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं एलर्जन की टाइप्स भी. मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म प्राइमरी एक्सपोजर और सेकेंडरी एक्सपोजर की अगर हम बात करें, एलर्जी, द गुड न्यूज अबाउट एलर्जी इज, अगर कोई किसी को एलर्जी है, फर्स्ट एक्सपोजर पे उनको रिएक्शन नहीं आते, वो डिसेंसिटाइज हो जाते हैं, सेकंड एक्सपोजर पे अबंडेंट अमाउंट में IgE पहले से बना होता है और वो अबंडेंट अमाउंट में वो इम्प्रेस हो जाता है, खुद को एक्सप्रेस करता है किसके ऊपर? मास सेल के ऊपर. मास सेल के ऊपर एक्सप्रेशन के बाद वहां से अबंडेंट अमाउंट हिस्टामिन रिलीज होता है जो कि वैसोडायलेशन कॉज करता है और सेलुलर मीडिएटर रिलीज होते हैं, सही है. ये सारे व्हाट कुड बी द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एलर्जी, ठीक है, क्योंकि इसी क्वेश्चन के अंदर है कि साइन एंड सिम्टम या फीचर्स क्या होंगे एलर्जी के. स्टार्ट करते हैं अपर पार्ट से और नीचे तक जाते हैं, एक ऑर्गन को या एक एक पार्ट को अलग अलग डिस्कस करते हैं. CNS के ऊपर क्या होगा? देयर विल बी हेडेक, एंजाइटी, उसके साथ साथ मे बी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है, वहां पे हेडेक हो सकती है, कॉन्शियसनेस हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, और विटिलिगो हो सकता है, चक्कर आना, ठीक है, डिजीनेस वगैरह होती है, सही है. ओके, रिलेटेड टू द आईज, देयर विल बी स्वेलिंग ऑफ कंजक्टिवा, ठीक है, ये जो कंजक्टिवा है हमारा उसकी स्वेलिंग होगी, एंड टियरी आईज, सही है, वाटरी आईज होगी, वहां से पानी आता है और इचिंग होगी, सही है. नोज से रिलेटेड, रनी नोज ऑफकोर्स, रनी एंड स्टफी नोज. लिप्स से रिलेटेड, देयर विल बी स्वेलिंग ऑफ द लिप्स, और उसके साथ साथ अगर हम आए फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड, हाइपर ब्रोकियल सेग्रेशन, देयर विल बी प्रॉब्लम विद द रेस्पिरेशन, जैसे एस्मा के अंदर होता है, ठीक है, और उसके साथ साथ ब्रोंकियल स्पाज़म होते हैं, ठीक है, चेस्ट पेन होता है उसमें, और साउंड्स आती हैं, डिफरेंट रील्स आ सकते हैं, और उसके साथ जो है दूसरी साउंड आ सकते हैं, हम्स और बजिंग विस्टिंग साउंड आती है, ठीक है, सारे इसके एसोसिएटेड सिम्टम होते हैं. रिलेटेड टू द CVS, देयर विल बी हाइपोटेंशन, देयर विल बी टैकीकार्डिया, ठीक है, अगर हाइपोटेंशन है तो बॉडी नीड को पूरा करने के लिए, क्योंकि टिश्यू ऑक्सीजनेटेड नहीं हो रहे होते, तो उनको ऑक्सीजन की डिमांड होने की वजह से
जो है दिल को ज्यादा काम करना पड़ता है, ठीक है, तो विल बी हाइपोटेंशन से टैकीकार्डिया। उसके अलावा रिलेटेड द पेल्विक रीजन, पेल्विक रीजन के अंदर क्या होगा, पेन होगा वहाँ पे भी, सही है। और इनकॉन्टिनेंस यूरिनरी कंट्रोल जो है हमारा वो ख़त्म हो जाएगा, जो हम यूरिन को कंट्रोल करते हैं वो भी ख़त्म हो जाएगा। ये सारे एलर्जी के जो है साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। और स्किन पे देयर विल बी रेड स्किन, और उसके अलावा हेव्स हो सकते हैं इसके ऊपर, ईचिंग हो सकती है, ठीक है, और बर्निंग सेंसेशन हो सकती है स्किन के ऊपर। ओके, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एलर्जिक रिएक्शन? चार टाइप्स के होते हैं एलर्जिक रिएक्शन, हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1, टाइप 2, 3 एंड 4। टाइप 1 जो होता है वो IgE मीडिएटेड होता है, जिसमें एलर्जन आते हैं और उसके अगेंस्ट रिएक्शन होते हैं इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज, जो मैंने पहले बताया, वहाँ पे विजुडाइलेशन वगैरह सारी चीज़ें होंगी, इंटरलिकन वगैरह रिलीज होंगे वहाँ पे। टाइप 2 एंटीबॉडी मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी होती है, इसमें स्पेशली IgM और IgG इन्वॉल्व होते हैं। और ये कब होता है? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, मेस्थेनिया डिजीज एग्जाम्पल अगर हम दें तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, और उसके साथ साथ आपके ग्रेव डिजीज वगैरह जो है और इसके अंदर होते हैं, मेस्थेनिया ग्रेविस वगैरह के अंदर भी, होमियोलिटिक एनीमिया के अंदर भी। और टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी जो होती है वो इम्यून कम्प्लेक्सेस मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी होती है, इसमें इम्यून कम्प्लेक्सेस फॉर्मेशन होती है, ठीक है, जो कि डिस्ट्रक्शन कॉज करते हैं खुद की सेल्स की। और ये इसके अगर क्लासिकल एग्जाम्पल दें तो SLE, रिमेटॉइड अर्थराइटिस, स्क्लेरोडर्मा, ठीक है, ये सारी इसके कॉमन एग्जाम्पल है। टाइप 4 इज डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी, और इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं हमारे जो सेंसिटाइज्ड हेल्पर सेल्स है, और उसी की वजह से ये होते हैं। और इसकी एग्जाम्पल अगर हम दें तो कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस और क्रॉनिक ट्रांसप्लांट रिजेक्शन वगैरह इसकी कॉमन एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 55, एलर्जी एनाफिलेक्टिक टाइप और उसके साथ साथ शॉक, लोकल एनाफिलेक्सिस, टर्म एनाफिलेक्सिस, एनाफिलेक्टिक शॉक आर ऑफन यूज टू मीन सेम थिंग्स। क्वेश्चन नंबर 55, व्हाट इज एनाफिलेक्सिस? एनाफिलेक्सिस इज अ सीरियस एलर्जिक कंडीशन जिसके लिए इमीडिएट ट्रीटमेंट चाहिए, अगर हमने ट्रीट ना करा तो इट कैन लीड टू द डेथ, ठीक है। रैपिड ऑनसेट होता है इसका बहुत ज्यादा, और जो इन्फेंट होते हैं उसके अंदर तो खैर ये अनडायग्नोज होता है, बट दूसरों के अंदर ये होता है यूजली इन द चाइल्ड, जो स्कूल लेट स्कूल एज के बच्चे होते हैं उनके अंदर। एनाफिलेक्सी जो है ये सडन रिलीज होते हैं पोटेंट बायोलॉजिकली एक्टिव मीडिएटर्स का मास सेल से, बेसोफिल से, जैसे हिस्टामिन्स वगैरह हो गए, इंटरल्यूकिंस हो गए, साइटोकाइंस वगैरह जो हमने पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सही है। कॉमन कॉज ऑफ एनाफिलेक्सिस फूड हो सकता है, विनोम हो सकता है, उसके अलावा जो आपकी पेंटिंग वगैरह जो करते हैं दीवारों पे, ठीक है, उसका जो केमिकल है उसकी वजह से भी हो सकता है, और बी स्टिंग हो सकते हैं इंसेक्ट वगैरह के, या फिर फूड से रिलेटेड हो सकता है, सी फूड वगैरह हो गया है, पीनट्स हो गए हैं, ठीक है, डिफरेंट चीज़ें हो सकती है जो एलर्जी को आगे वो करते हैं, मीडिएट करते हैं, उसी चीज़ों के अंदर आपने बताना है उसको। साइन एंड सिम्टम्स जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ वो बताना है। और डायग्नोसिस, डायग्नोसिस में क्या करते हैं कि एटलीस्ट आपके पास दो तीन चीज़ें होनी चाहिए, इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्किन, GIT, रेस्पिरेटरी या हार्ट, अगर इनमें से कोई दो चीज़ें पॉजिटिव आती है इट्स मीन कि एनाफिलेक्टिक जो है वो एनाफिलेक्सिस हुई है। अच्छा, इसका क्राइटेरिया क्या है? ABCDE, ठीक है, ए स्टैंड फॉर एयरवे, बी स्टैंड फॉर ब्रीदिंग, सी सर्कुलेशन, डी जो है वो होता है हमारा एक्सपोजर होता है, एक और एक डी स्टैंड फॉर डिसेबिलिटी, ठीक है। तो हम देखते हैं कि एयरवे की ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, सर्कुलेशन कैसी है उसकी, ब्रीदिंग कैसी है, ठीक है, और उसके साथ हम देखते हैं डिसेबिलिटी है या नहीं है, और एंड पे हम एक्सपोजर देखते हैं कि एक्सपोजर किस चीज़ के सामने हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। अगर वहाँ से पूछते हैं व्हाट आर द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एनाफिलेक्टिक शॉक्स, तो डोंट फॉरगेट अबाउट योर ब्यूटीफुल एड्रेनालिन नोन एज एपिनेफ्रिन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस, ठीक है। एलर्जी एनाफिलेक्टिक टाइप, अगेन सेम क्वेश्चन, फूड एलर्जीज इन चिल्ड्रन, और फूड एलर्जीज आप इतना याद रखो, एलर्जी जितनी भी आती है सारों के मैकेनिज्म और पैथोजेनेसिस सब सेम है, सिर्फ फूड को आपने याद रखना है कि जैसे मैंने बताया है पीनट्स, सी फूड, काउ मिल्क, और उसके अलावा आपके जो होते हैं एग्स वगैरह, वीट और फ्रूट वगैरह जो होते हैं, इससे हो सकती है एलर्जी। प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून डिफिशियंसी इन चिल्ड्रन, अगेन द क्वेश्चन इज रिपीटेड, प्राइमरी इज कंजेनिटल और सेकेंडरी जो होती है वो एक्वायर्ड होती है। प्राइमरी जो होती है कंजेनिटल हो सकती है, या फिर कंजेनिटल के साथ साथ ये होती है डिफरेंट इन्फेक्शन की वजह से भी, लेकिन वो मोस्टली हम सेकेंडरी में काउंट करते हैं। प्राइमरी के अंदर हम अगर स्पेसिफिकली देखें तो देयर विल बी लाइक लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स, उसकी प्रॉपर जो है डिफिशियंसी होती है उसके अंदर, या थायमस रिलेटेड, बोन मैरो से रिलेटेड, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं उसके अंदर इसमें प्राइमरी में। सेकेंडरी के अंदर इन्फेक्शन हो सकते हैं, ठीक है, और इन्फेक्शन के अलावा जो है एक दो चीज़ें और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिलेटेड सेकेंडरी, उसमें आते हैं एड्स,
जो ल्यूकोपीनिया होता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें इसको जो है ल्यूकीमिया वगैरह जो है सेकेंडरी या एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी कॉज कराती है, ठीक है। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हो गई है, इन्फेक्शन हो गया है, ल्यूकीमिया हो गया है, और एड्स वगैरह दे आर सेकेंडरी इन्फेक्शन, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द इम्यून डिफिशियंसी एंड ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द चाइल्ड डिजीज। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।